પાણીદાર નેતૃત્વમાં પાણીદાર ગુજરાત. આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ ભેટ આપવા માટે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રજાજનોને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પોતાના અંતરમાં સ્થાન આપ્યું છે અને એટલે જ તેમના વિકાસમાં કોઈ અંતરાય ન આવે એની હરહંમેશ તેમણે ચિંતા કરી છે. આદિવાસી સે લેકર વિશ્વ પ્રવાસી કે કલ્યાણ હેતુ જિનકે વિચારો મેં નાવીન્ય, વચનો મેં સૌજન્ય ઓર કાર્યો મેં સામર્થ્ય હૈ, એસે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી કો આઈએ જોરદાર તાલીઓ કે સાથ આમંત્રિત કરતે હૈં અપને પ્રેરણાદાયી માર્ગદર્શન કે લીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ગુજરાત કે લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી મૃદુ એવમ મક્કમ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સંસદ મેં મેરે વરિષ્ઠ સહયોગી ઓર નવસારી કે હિ સાંસદ ઓર આપ લોગોને પિછલે ચુનાવ મેં હિન્દુસ્તાન મેં સબસે જ્યાદા વોટ દે કરકે જિનકો વિજયી બનાયા ઓર દેશ મેં નવસારી કા નામ રોશન કિયા, એસે આપ સબ કે પ્રતિનિધિ શ્રી સીઆર પાટિલ, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ મેં મેરે સહયોગી બહેન દર્શનાજી, ભારત સરકાર કે સભી મંત્રીગણ, સાંસદ ઓર વિધાયકગણ, રાજ્ય સરકાર કે સભી મંત્રીગણ ઓર ભારી સંખ્યા મેં યહાં આયે મેરે પ્યારે ભાઈઓ ઓર બહેનો, આજ ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન મેં મુજે એક બાત કા વિશેષ ગૌરવ હો રહા હૈ ઓર વો ગૌરવ ઇસ બાત કા હો રહા હૈ કે મેને ઇતને સાલ મુખ્યમંત્રી કે રૂપ મેં કામ કિયા, લેકિન કભી ભી આદિવાસી ક્ષેત્ર મેં ઇતના બડા કાર્યક્રમ મેરે નસીબ નહીં હુઆ થા. આજ મુજે ગર્વ ઇસ બાત કા હો રહા હૈ કે ગુજરાત છોડને કે બાદ જિન જિન લોગોને ગુજરાત કો સંભાલને કા દાયિત્વ નિભાયા ઓર આજ ભૂપેન્દ્રભાઈ ઓર સીઆર કી જોડી જિસ ઉમંગ ઓર ઉત્સાહ કે સાથ નયા વિશ્વાસ જગા રહી હૈ ઉસી કા પરિણામ હૈ કે આજ મેરે સામને 5 લાખ સે ભી અધિક લોગ ઇતના બડા વિશાલ, મુજે ગર્વ ઇસ બાત કા હોતા હૈ કે જો મેરે કાલખંડ મેં મેં નહીં કર પાયા થા વો આજ મેરે સાથી કર પા રહે હૈ ઓર આપકા પ્યાર બઢતા હી જા રહા હૈ ઓર ઇસલીએ મુજે સર્વાતિક ગર્વ હો રહા હૈ. નવસારી કી ઇસ પાવન ધરતી સે મેં ઉનાઈ માતા મંદિર કો સિર ઝુકા કરકે પ્રણામ કરતા હું. આદિવાસી સામર્થ ઓર સંકલ્પો કી ઇસ ભૂમિ પર ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન કા હિસ્સા બનના યે ભી મેરે લીએ અપને આપ મેં ગૌરવપૂર્ણ બાત હૈ. ગુજરાત કા ગૌરવ બીતે 2 દશક મેં જો તેજ વિકાસ હુઆ હૈ, સબકા વિકાસ હૈ ઓર ઇસ વિકાસ સે પેદા હુઈ નઈ આકાંક્ષાએ હૈ.
इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, बलसार सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा मने गुजरात ना भाइयों, कौन है तमारा बदानू वैक्सीन थई गयो, टीकाकरण थई गयो, बदाने हाथ ऊपर करो, बदाने मफत में थयो कि ना थयो, पैसा अप्पा पड़िया?
दूर सुदूर जंगलों की चिंता ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, यहां मंच पर आने से पहले, और मुझे आने में जरा विलंब भी हुआ क्योंकि मैं कुछ देर पहले इसी हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से उनके सुख दुख की बातें सुन रहा था, उनके साथ पूछताछ कर रहा था। सरकार की योजना के संबंध में जो लाभार्थी हैं, उनको उससे क्या लाभ मिला, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। जब जनता जनार्दन से इस तरह संपर्क होता है तो विकास के लिए समर्थन उतना ही बढ़ता है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अने आजे जारे घना लांबा समय चिखली आयो छू, तो स्वाभाविक है कि एनी बधी यादों ताजी थाय। केटला बधा वर्षों मारो तमारी जोड़े नातो, अने जे रीते ए दिवसों में तो अमारी पास कोई साधनों नहोता, अहीं आवीए बस माथी उतरीने खभे थेलो लटकाईने आवता होईए, अने अहीं अनेक परिवारों अनेक गाम मने सांभळतुं नथी कि आटला बधा वर्षो आ विस्तारों में हूँ तमारी वच्चे रह्यो, कोई पण दिवस मारे भूखा रहेवानी नौबत नथी आई। आ प्रेम आशीर्वाद आ मारी शक्ति छे। आदिवासी भाइयोनी वच्चे काम करवाना अवसर मळ्या, एना करता वधारे एमनी पासेथी मने शीखवाना अवसर मळ्या। सुगढ़ता, स्वच्छता, अनुशासन, आपणे डांगना जिला में जता होईए या आदिवासी विस्तार में जता होईए, सवार होय सांज होय के दारू थवानी तैयारी होय, बधा एक लाइन में चालता होय, एक बीजाना पाछळ चालता होय, अने अमस्तु नथी, बहु समझदारी पूर्वक करते एमनी जीवन रचना छे। आजे आदिवासी समाज एक सामुदायिक जीवन एना आदर्शों आत्मसात करनारु, पर्यावरण ने रक्षा करनारु एवं आपणो आ समाज। अहींया बधाए कह्युं के आजनी आ 3000 करोड़ रूपयानी योजनाओ, मने याद छे एक जमानो हतो गुजरात में भूतकाल में एक एवा मुख्यमंत्री हता आपणे त्यां आज विस्तारना आदिवासी विस्तारना एमना पोताना गाममां पाणीनी टांकी नहोती, हेन्डपंप लगावे ए पण 12 महीने 1.5 वर्षे सूखा थई जाय, एना वायसर खटी जाय। आ बधाने कहेवाय हूँ आव्यो
गुजरात में जवाबदारी लीधी अने एमना गाम में मैं टांकी बनाई थी। एक जमानो एवो तो गुजरात में कि गुजरात ना एक मुख्यमंत्री है जामनगर में एक टांकी बनाई थी पानी नी। ये पानी नी टांकी नु उद्घाटन कर्यु तो अने गुजरात ना छापा में पहला पाना पर मोटा फोटा छपाना था कि मुख्यमंत्री पानी नी टांकी नु उद्घाटन कर्यु। ये दिवसों गुजराते जोया छे। आजे मने गर्व थाय छे कि हूँ आदिवासी विस्तार में 3,000 करोड़ रूपियोना कामों एनु उद्घाटन करता हूं। अने आपणे त्यां तो कोई पण काम करो एटले केटलाक लोको चालू ज पड़ी जाए कि जोयु चूंटणी आई एटले काम थाय छे, चूंटणी आई एटले काम थाय छे। अमारा कार्यकाळनो एक अठवाडियुं कोई एवुं शोधी लावे, एक आ मारी चुनौती छे। मने सरकारनी अंदर लगभग 22-23 वर्ष थई गया, एक अठवाडियुं कोई शोधी लावे कि जे अठवाडियामां मैं कोई विकासनुं नवुं न काम कर्युं होय एवुं एक अठवाडियुं न मळे। पण केटलाक वांक देखा लोकोने एम ज लागे कि आ चूंटणी हवे मारे ज एटला माटे कहेवुं पड़े छे कि 2018 में आ विस्तार ने पानी अपवा माटे आवड़ी मोटी योजना लईने जारे हूँ आव्यो तो अहीं त्यारे अहीं केटलाक लोकोए कह्युं तुं जो थोड़ा समय पछी 19 मां लोकसभानी चूंटणी आववानी छे एटला मोदी साहेब अहींने आंबा आंबली देखाड़वा माड्या छे। आजे मने गर्व थाय छे कि लोको खोटा पड्या अने आजे पानी पहुंचाड़ी दीधुं। कोई ने गणे नहोतुं उतरतुं, भाई नेवाना पानी मोभे चढ़ावानी बात सियारे पण करी, भूपेन्द्र भाईए पण करी, पण एमां तो नेवा अने मोभा वच्चे 3-4 फूटथी वधारे अंतर नथी होतुं, 3-4 फूटनो ढाळ होय छे। आ तो 200 माळनो ऊंचो पहाड़ चढ़वानो अने तलिये थी पानी उपाड़ीने पहाड़नी चोटी पर लई जवानुं, अने ए पण जो चूंटणीओ जीतवा माटे करवानुं होय ने तो कोई 200-300 वोट माटे आवी मगजमारी ना करे भाई, ए तो बीजी जगह करे। अमे चूंटणी जीतवा माटे नहीं, अमे तो आ देशना नागरिकोनुं भलुं करवा निकळेला लोको छीए। चूंटणी तो लोको अमने जीताड़ता होय छे, लोकोना आशीर्वाद थी अमे बेसता होईए छीए। अने एस्ट्रोल प्रोजेक्ट एंजीनियरिंग नी दुनिया में सुरेन्द्रनगर जिल्ला में ढांकीनु काम, अने हूं तो एंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीओ ने कॉलेजों ने टेक्निकल विद्यार्थियों ने कहीश के ढांकी में अमे जे नर्मदापनु पानी चढ़ायु छे एवी ज रीते अहींया अमे जे पानी चढ़ायु छे आनो एंजीनियरिंग ना कॉलेज ना विद्यार्थी अभ्यास करवो जोईए। प्रोफेसर आवु जोईए कि केवी रीते पहाड़ों में उतार चढ़ाव ने हिसाब किताब कटू ऊंचे जईशु पछी पानी नु आटलू प्रेशर आवशे, पछी अहींया पंप लगाईशु तो पानी आटलू ऊपर जशे। आ एक मोटो मोटू काम थयेलू छे। अने आपणे त्यां हूं तो अहींया धरमपुर ने आ बीजा विस्तारों में खूब समय रह्यो छु, सापुतारा में रह्यो छु, कायम माटे अनुभव कयो। वरसाद खूब पड़े पर पानी आपणा नसीबमां ना होय, पानी वही जाए। अमे पहली वार नक्की कर्यु के अमारा जंगलों में ऊंची टेकरी पर रहता छूटा छवाय अमारा आदिवासी भाईओ होय या जंगल विस्तार में रहता अन्य समाजना भाईओ होय एमने पानी मेळवानो हक छे, पीवानुं शुद्ध पानी प्राप्त करवानो हक छे। अने एना माटे मैं आवडा मोटा अभियान उपाड्या छे, आ चूंटणी माटे उपाड्या अभियान नहोता। अने मैं कहता था कि जेनो शिलान्यास अमे करीए ने एनुं लोकार्पण पण अमे ज करीए छे। अने आजे मारुं सद्भाग्य छे कि काम पण मना नसीबमां थयुं छे। एक कमिटमेंट छे प्रजा माटे जीववानुं, प्रजा माटे खपवानुं,
राजकीय आटा पाटा नी अंदर समय बर्बाद करना अमे लोको नथी। अमारे मन सत्ता में बेसवू ए मात्र ने मात्र सेवा करवानो एक अवसर समझिए छे, जनता जनार्दन नु भलू करवानो अवसर समझिए छे। कोविड नी आफत आखी दुनिया में आवी पण आटला बधा वेक्सिनेशन ना डोज आपनारू एकमात्र देश होय तो हिंदुस्तान छे, 200 करोड़ डोज। आजे सांडलपुर, खेरगाम, रूमला, मांडवी पानी आवे ने एटले केटली मोटी ताकत आवजी होय जो भाई। अने आजे केटला बधा शिलान्यास ना कामो थया छे, 11 लाख थी वधारे लोकोने अनेक मुसीबतोमांथी मुक्ति मळे एवा काम आजे कर्या छे। अमारू जयसिंहपुरा होय के अमारू नारणपुरा होय के अमारू सोनगढ़ होय, आ पाणी सप्लाय नी जी योजनाओ आनो उपयोग जे छे एना जे भूमिपूजन थया छे एटले आ विस्तारना पण 14 लाख करता वधारे लोकोना जीवनमां आ पाणी एमनी जिंदगी ने पाणीदार बनावानी छे। दोस्तों, जल जीवन मिशन अंतर्गत अमे आपणे त्यां तो गुजरात में तमने याद हशे, जे लोको 20 वर्ष ना थया हशे एमने बहु खबर नहीं होय, 25 वर्ष वाला ने बहु खबर नहीं होय, एनाथी मोटा छे बधाने खबर हशे के एमणे बधाए केवी रीते दिवसो काढ्या छे, आपणा बाप दादाओए केवी मुसीबत में जीवन काढ्युं छे। अने हवे मारे आपणा बाप दादाओने जे मुसीबत में जीववू पड्युं ने, मारे नवी पेढ़ी ने एवी मुसीबत में जीववा नथी देवी। एमने सुखनु जीवन मळे, प्रगतिनु जीवन मळे। आपणे त्यां भूतकाळमां शुं थतुं, पाणीनी मांग उठे बहु हो तो शुं करे, धारासभ्य आईने हेन्डपंप लगावे ने हेन्डपंपनुं उद्घाटन करे, अने 6 महीनामां तो हेन्डपंपमांथी हवा आवे पाणी ना आवे एवुं थाय छे ने, हलाई हलाईने थाकी जाओ कांई निकळे नहीं। आजे अमे नळथी जळ आपीए छीए, नळथी जळ आपीए छीए भाईओ। मने याद छे आखा उमरगाम थी अंबाजी आवड़ो मोटो आपड़ो आदिवासी पट्टो अने एमा उजड़िया समाज पण रहे, ओबीसी समाज पण रहे, आदिवासी समाज पण रहे, अने अहींया पण तेजस्वी बाळको पैदा थता होय, अहींया पण ओजस्वी दीकरा दीकरीओ होय, परंतु एके विज्ञाननी शाळा नहोती भाईओ, एके विज्ञाननी शाळा नहोती। अने 12मा धोरणनी विज्ञाननी शाळा ना होय अने पछी मेडिकल कॉलेज ने इंजीनियरिंग कॉलेज ना बधा भाषणो करिए एमां कई सक्करवार थाय भाई, थाय कोई दी? आ मने याद छे 2001मां मैं आव्या पछी पहेलुं काम कर्युं भाई अहींया विज्ञाननी शाळाओ बनावो तो मारा आदिवासी बाळको एंजीनियर थाय, डॉक्टर थाय। अने आजे मने गर्व छे विज्ञाननी शाळाथी शरू करेलुं काम आजे मेडिकल अने एंजीनियरिंग कॉलेजो बनी रही छे, आजे आदिवासी विस्तारमां युनिवर्सिटीओ बनी रही छे, गोविंद गुरुना नामे युनिवर्सिटी, बिरसा मुंडाना नामे युनिवर्सिटी, आदिवासी पट्टामां युनिवर्सिटी। भाईओ, प्रगति करवी होय, विकास करवो होय तो दूर सुदूर जंगलोमां पण जवुं पड़तुं होय छे, अने ए काम अमे उपाड्युं छे। लाखों लोकोनुं जीवन बदलवा माटेना अमारुं आयोजन छे, सड़क होय, घर साथे ऑप्टिकल फाइबर पहोंचाड़वानी वात होय। आजे नवसारी ने डांग जिल्लामां सौथी वधारे एनो लाभ मळी रह्यो छे। मारे डांग जिल्लाने खास अभिनंदन आपवा छे अने दक्षिण गुजरात ने पण अभिनंदन आपवा छे। डांग जिल्लाए प्राकृतिक खेतीनुं जे बीड़ू उठाव्युं छे, नेचरल फार्मिंग में डांग जिल्लाए जे कमाल करी छे एना माटे हुं एमने अभिनंदन आपुं छुं। आजे नवसारी में 500 करोड़ रूपियाथी पण वधारे किंमतनो हॉस्पिटल अने मेडिकल कॉलेज, 10 लाख थी वधारे लोकोने एनो लाभ मळवानो छे। आदिवासी भाईओ बहेनों भविष्य उज्ज्वल बने अने आदिवासी दीकराए हवे डॉक्टर थवुं होय, ओबीसी मां बापना दीकराए, पछात वर्गना मां बापना दीकराए डॉक्टर थवुं होय, हड़पतिना दीकराए डॉक्टर थवुं होय,
तो एने अंग्रेजी भणवानी जरूर नथी, एनी मातृभाषा में भणाईने अमे डॉक्टर बनावीशुं। भाईओ, हूँ जयारे गुजरात में हतो त्यारे आपणे वनबंधु कल्याण योजना चालू करी थी। आजे वनबंधु कल्याण योजनानुं चौथुं चरण अमारा भूपेन्द्रभाईना नेतृत्वमां चाली रह्युं छे अने 14,000 करोड़ रूपया भाईओ विकास केवी रीते आगळ वधता पहोंचतो होय छे एना उदाहरणो छे। अने काम आजे भूपेन्द्रभाईनी सरकारना नेतृत्वमां थई रह्युं छे। भाईओ बहेनो, अनेक क्षेत्रो एवा छे, अमारा आदिवासी भाईओ, नाना नाना भाईओ बहनो, मने याद छे मैं अहींया वाड़ी प्रोजेक्ट चालू कर्यो तो वलसाड बाजू, आ वाड़ी प्रोजेक्ट ने जोवा माटे अमारा अब्दुल कलाम जी भारतना राष्ट्रपति हता, ए एमनो जन्मदिवस उजव्यो नतो, अने अहींया आवीने वाड़ी विस्तार नी अंदर एकला एक आखो दाड़ो रोकाणा हता, अने वाड़ी प्रोजेक्ट शू छे एनो अध्ययन करीने मने आईने कह्युं तो के मोदीजी तमे खरेखर गामडाना लोकोनी जिंदगी बदलवानुं पायानुं काम करी रह्या छो, अने वाड़ी प्रोजेक्ट मारा आदिवासीओनी अर्धो एकर जमीन होय, खाड़ा टेकरा वाली जमीन होय, साव टुकड़ो जमीन होय, काई पाकतुं ना होय, बधी अमारी आदिवासी बहनों मेहनत करती होय, अने अमारा आदिवासी भाई तो हाजे जरा मौजमां होय पाछा, अने छतां ए वाड़ीनी अंदर आजे खेतीनी अंदर काजूनी खेती अमारो आदिवासी करतो थाय, आ काम आपणे थयुं छे। भाईओ बहनों, विकास सर्वांगीण होय, विकास सर्वस्पर्शी होय, विकास सर्वदूर होय, विकास बधा क्षेत्रों ने आंबी जनारो होय, ए दिशामां अमे काम कर रह्या छीए, अने वा अनेक कामो आजे ज्यारे गुजरातनी धरती पर थई रह्या छे त्यारे फरी एकवार आप सौ आटली विशाळ संख्यामां आवीने आशीर्वाद आप्या, आ दृश्य ज भाईओ तमारा माटे काम करवानी मने ताकात आपे छे। आ माताओ बहनों ना आशीर्वाद ज तमारा माटे दौड़वा माटे नी ताकात आपे छे, अने आ ताकात ना आधारे आपणे गुजरात ने पण आगळ लई जवुं छे अने हिंदुस्तान ने पण आगळ लई जवुं छे। फरी एक वार आप सौना आशीर्वाद माटे आपनो खूब खूब आभार, विशाळ संख्यामां आवीने आशीर्वाद आप्या बदल आभार। हूँ राज्य सरकार ने पण अभिनंदन आपू छू कि आवा प्रोग्रेसिव काम, समयबद्ध काम अने समाजना छेवाड़ाना मानवी सुधी पहोंचवा माटेना काम एमना द्वारा थई रह्या छे। आप सौने खूब खूब अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खूब खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपना आ ऊर्जावान वक्तव्य माटे। दक्षिण गुजरातना वनबंधुओने प्रगतिनी नवी गति आपवा माटे, सर्वांगी विकासना नवीन आ अध्याय माटे, जळथी उज्जवल भविष्यनी भेट आपवा माटे अने दक्षिण गुजरातमां पधारी अमारी साथे संवाद करवा माटे आपनो खूब खूब आभार। अंतःकरणपूर्वक ऋण स्वीकार साथे पुनः गुजरात पधारवाना लागणी सभर निमंत्रण साथे आपनो फरी एक वार आभार मानिए छे। माननीय प्रधानमंत्री श्री, गुजरातना माननीय मुख्यमंत्री श्री, मंचस्थ सौ महानुभावोनो अत्रेथी खूब खूब आभार, धन्यवाद।